नमस्ते इंडिया, सत्योदय के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने लखनऊ वालों के IQ का टेस्ट लिया और हमें जो जवाब मिला है उसे सुनकर हम तो हैरान रह गए। उम्मीद है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी जरूर हैरान रह जाएंगे। सर आपका नाम? मुझे गोप कहते हैं। सर 15 अगस्त को एग्जैक्टली हुआ क्या था? 15 अगस्त को एग्जैक्टली क्या हुआ था मेरे सामने तो नहीं हुआ था, फिर भी जो मैंने सुना है वही बता सकते हैं हम आपको कि काफ़ी ब्लडशेड हुआ था। मुल्क के दो हिस्से हुए थे, एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया था, दूसरा इंडिया में रह गया था जहां हम लोग रहते हैं। आपका नाम? सुपमिन मिश्रा। हमें ये बताइए कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है? मैडम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन हमें अंग्रेजों से गुलामी मिली थी। अंग्रेजों से गुलामी मिली। आजादों के अंग्रेज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं उस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। मेरा नाम सपना श्रीवास्तव है। सपना ये बताइए कि इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। सॉरी स्वतंत्रता दिवस। सर आपका नाम? विशाल धनेजा। सर हम अभी कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? 15 अगस्त जो हमारा 15 मतलब अभी 58-60 कौन सा वाला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? एक्चुअली ये तो एटम पे तो थर्ड इसके लिए कंफ्यूज हो गए। ये बताइए 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारे यहाँ शहीदों की शायद आज़ादी हुई थी। आपका नाम? अजहर। अजहर ये बताइए इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे में क्या अंतर है? इंडिपेंडेंस डे में मतलब लड़ाइयाँ हुई थी और 26 जनवरी मतलब वो हुआ था। 26 जनवरी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी लेकिन आज़ादी हुई था मतलब आज़ाद हो गई। इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब आज़ादी नहीं मिली थी, लड़ाई हुई थी? नहीं हुई थी मतलब दोनों हुआ था उसमें मतलब वॉर हुआ था और क्या। आप बताइए। इंडिपेंडेंस डे के दिन लड़ाई हुई थी और 26 जनवरी को एक रूल लागू हुआ था उसका इंडिपेंडेंस डे का। आप बताइए। हमको नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम, बस ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की? इंडिया की अभी तो नई एक हुई है, जम्मू और कश्मीर दो हुए हैं, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी। टोटल कितने हैं? 4-5 है। 5 है टोटल? श्योर है 5? हाँ सबको तो 5 ही। यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया की? लगभग 15-20 होंगी। 15-20 फिर स्टेट्स कितने होंगे? स्टेट इस समय 29 और यूनियन टेरिटरीज 15-20 नहीं 15-20 नहीं, 15-20 नहीं है, 15-20 नहीं है, 7 पहले थे और 3-2 और हुए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश ही तो है। तो मतलब 9 आपका आंसर 9 है। हाँ यूनियन टेरिटरीज इंडिया की कितनी है? अभी रिसेंट न्यूज में भी बहुत चल रहा है। आपकी एग्जांपल आपकी हिंट के लिए दे दूं कि 2 अभी नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं जहाँ के बारे में बहुत चल रहा है अभी, हर न्यूज़ चैनल पे वही चल रहा है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया की? इंडियन की यूनियन टेरिटरीज तो काफ़ी हैं। काफ़ी जैसे? जैसे हमारा मुझे इसके मैंने कर शायद ऐसे इंटरव्यू मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको दिया है। कोई बात नहीं, मतलब आपके नॉलेज में तो होगा, कितनी एक अंदाज़ा बताइए कितनी हो सकती है? लगभग अभी सुर्खियों में भी है। हाँ अभी है लगभग 20 स्टेट तो बहुत है, स्टेट तो यूनियन टेरिटरीज है मेरे ख्याल से तो है इतनी तो होनी चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? नहीं ज़्यादा नहीं है लेकिन यह किसी किसी के मतलब उसमें नॉलेज में नहीं है। बता दीजिए
जैसे यूनियन हमारी आपकी हिंदू कैटेगरीज आती है एंड आपकी कई ऐसे मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है सर। अच्छा कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की? 15 है। 15 यूनियन टेरिटरीज। नाम गिना सकते हो 15? नाम तो नहीं है बता। 2-3 नहीं। अच्छा और ये बताइए यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं भारत? 28 है। यूनियन टेरिटरीज 28 हैं तो राज्य कितने हैं? 7 बहुत खतरनाक जवाब दे रहे हैं आप। 7 राज्य हैं, 1 राज्य में आप बैठे हैं। कंफ्यूज। आप बताइए यूनियन टेरिटरीज 28 या 29 के बीच में है? 28 या 29 में गिना सकते हैं? कम से कम 20 का ही नाम गिना दीजिए। 20 का नाम ना गिनवाइए मैम, आइडिया नहीं है। ओह नो। गिना दीजिए। नहीं आइडिया कोई। अंदाजे में बोल दिया 28-29। अंदाजे में बोल दिया था। आप बताइए। नहीं ये भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। राष्ट्रगान क्या है सर हमारा? राष्ट्रगान हमारा जो है वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय। राष्ट्रगान जनगण मन है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रगान पता है आपको? राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन अधिनायक जय है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद कंफर्म। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति थे? कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम देश के पहले राष्ट्रपति थे। खतरनाक जवाब। बता सकते हो कौन थे? अगर आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? देखिए फ्रीडम का बहुत वास्ट मतलब होता है, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये होता है कि इंसान को अपने बारे में, अपने देश के बारे में, देश की तरफ से जो है जो आज़ादी दी है, वो फ्रीडम का एक्चुअल मतलब होता है कि हम लोग को अपने कहने का और सुनने का जो है हक मिल जाता है। ये फ्रीडम है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, सबके हिसाब से अलग हो सकता है। और आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हमारे लिए आज़ादी का मतलब है कि हम घूमते फिरते हैं देश के अंदर, और देश के अंदर हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर ले कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी भी रूप में अपनी बात को हम कैसे भी रह सकते हैं और स्वच्छंदता से चल सकते हैं। यही सब आज़ादी है। आपके लिए फ्रीडम क्या है? आप फ्रीडम से क्या समझते हो? स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या है आपके लिए? कंफ्यूज हो गए। अच्छा सर आपके लिए फ्रीडम क्या है? एक्चुअली फ्रीडम तो कुछ नहीं है। नहीं फ्रीडम तो होनी चाहिए हमारे आपके हिसाब से। फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम मतलब कि हम पूरी तरह से अपने आज़ाद रहें और हमारी जो जो नॉलेज है लोगों की तरफ जाए और हम उसको पहचाने। फ्रीडम तो फ्रीडम मतलब हम उसको अच्छी तरह बातचीत कर सकें, लोगों के कन्फ्यूजन ना हो। फ्रीडम क्या महसूस करते हैं आप? आगे से आगे के लिए क्या उम्मीद करते हैं? देखिए अगर हम अगर सही हैं तो हमारे होने से, हमारे सही होने से पूरा समाज सही हो सकता है, राष्ट्र सही हो सकता है और पूरा वर्ल्ड सही हो सकता है। अच्छा ये बताइए आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? एज आप लड़की हो अभी, क्या आप खुले मतलब अब शाम को लेट जाती हो तो सेफ्टी महसूस करते हो?
नहीं सेफ्टी नहीं महसूस करते हैं, बट कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो मतलब फ्रीडम सबसे ज़्यादा होता है कि हम अपने आप को रिलीव महसूस करें, जो बिल्कुल वो तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। जब आपका इतना कानून अच्छा है, इतने जो है हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं मोदी, उन्होंने इतना हम लोगों के लिए किया है, तो इसलिए अब तो काफ़ी फ्रीडम महसूस हो रहा है। इसलिए मैं 10-11 बजे भी जाती हूँ तो अपने आप को पूरा सेफ महसूस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना हम लोगों के लिए हेल्पलाइन चीज़ें बना रखी हैं, इतने नंबर्स बना रखे हैं, प्लस लेडीज़ पुलिस और जगह जगह पे पुलिस और भी बहुत सारी फैसिलिटी उन्होंने की, इसलिए फ्रीडम तो है ही टोटली। फ्रीडम का मतलब क्या है आपके लिए? फ्रीडम का मतलब क्या महसूस करते हैं? अरे मैम फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीडम है। जहाँ पे कर्फ्यू लगा है और लगा हुआ है तो हमें घूम नहीं सकते, ऐसे फ्रीडम अपना। जहाँ पे रिलीजन अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेसेस पे। आपके लिए फ्रीडम क्या है? फ्रीडम मतलब है हमारे लिए हमें आज़ादी हर चीज़ करने की, हमारा राइट टू स्टैंड है, राइट टू वोट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना स्टैंड ले सकते हैं अपनी चीज़ का। आज़ादी क्या है? आज़ादी के 73 साल बाद भी देश में रहने वाले आम नागरिक किसी न किसी समस्याओं के गुलाम बने हुए हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बेरोजगारी है। देश में जितनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी है उतनी ही तेजी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो एक बार अपने दिल से जरूर पूछिए, क्या वाकई हम आज़ाद हैं? जय हिंद, जय भारत।